भगवान श्री कृष्ण की कीड़ा स्थली वृंदावन में जो भी अज्ञात शव मिलते हैं उनका विधि विधान के साथ गौलोक सेवा समिति द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। जो लोग वृंदावन में शरीर छोड़ते हैं जिनका कोई नहीं होता उन लोगों का विधि विधान के साथ गौलोक सेवा समिति के लोग अंतिम संस्कार करते हैं। यही नहीं उनके सभी कर्मकांड भी करते हैं। अमावस्या को वृंदावन में ऐसे अज्ञात लोगों की आत्मिक शांति के लिए हवन भी किया जाता है। हवन के माध्यम से अज्ञात लोगों की आत्मा की शांति की कामना की जाती है। इस कार्य में भगवान दास चौधरी और उनके सहयोगी रविकांत गौतम सेवा करते हैं। रविवार को पितृपक्ष की अमावस्या को केसी घाट यमुना किनारे पर अभी तक जिन अज्ञात शवों का उन्होंने दाह संस्कार किया है उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। इस अवसर पर आचार्य बद्रिश धर्म रक्षक संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ और मोहिनी शरण महाराज ने मुख्य रूप से हवन में भाग लिया। विश्वविख्यात वृंदावन बहुत ही पवित्र नगरी है और इस पवित्र नगरी में अनूठे कार्य होते हैं, पवित्र कार्य होते हैं, ऐसे कार्य भी होते हैं जो तीनों लोकों में कहीं नहीं होते हैं। वृंदावन में अमावस्या के दिन पितृपक्ष में ऐसे लावारिस लोग जिनकी मौत हो जाती है ऐसी लावारिस आत्माओं को शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। आज अमावस्या का दिन है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि साधु संत समाज के तमाम लोगों द्वारा यहाँ पर ऐसी आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ किया गया है जिनका कोई नहीं होता है। लावारिस अज्ञात लाश जो आती हैं उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है और फिर अमावस्या के दिन सभी आत्माओं का यहाँ पर आत्मिक शांति के लिए यहाँ यज्ञ कराया जाता है। यानी कि जो ऐसी आत्माएं अज्ञात आत्माएं उनका अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ उनकी शांति के लिए यज्ञ होता है जिनका कोई नहीं होता है। ऐसी लावारिस लाशें ऐसी जो अज्ञात आत्माएं उन सभी आत्माओं की शांति के लिए अमावस्या में यहाँ पर विधि विधान के साथ यहाँ यज्ञ किया जाता है। मैं बात कर लेता हूँ, बहुत लावारिस शवों को आपने दफनाया है उनकी आत्मिक शांति के लिए आज यज्ञ किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये 2000 करीब नौ से हम लोग वृंदावन में लावारिस जो वृंदावन में लावारिस संस्कार जो अपनी अपने प्राण छोड़ देते हैं तो ये समझ के आते हैं वृंदावन जाएंगे हमारी मृत्यु हो जाए तो सदगत की प्राप्त हो जाए। तो उनकी सदगत की प्राप्ति के लिए हम लोग पहले देखते थे जमुना में सब बहते आते होते हैं लोग अपनी आत्माओं को डाल किसी की दुकान किया गया फ्री मर जाता था जमुना में डाल देते थे। पुलिस भी यही काम करती थी, पहले पुलिस वाले भी यही करते थे जमुना में डाल देते थे। हमको बड़ी पीड़ा हुई तो हम लोग एक फिर जो बोलो सेवा समिति का निर्माण किया तो सभी साधु सभी विद्यवासी सभी साधु संतों के आशीर्वाद से महापुरुषों के आशीर्वाद से इस बिल को लोग वो लोग सेवा समिति का उद्घाटन करके हमने सभी के आशीर्वाद से ये कार्य शुरू किया। तो लोग सोचते हैं कि हम वृंदावन जाएं तो हमारी सदगति हो जाए और वो उठा के जमुना में डाल दें वो उनकी सदगति नहीं है। इसलिए सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ अज्ञात आत्माएं होती हैं उनकी शांति के लिए अमावस्या को यज्ञ करते हैं। हम लोग हर अमावस्या को करते हैं, हर अमावस्या को 100-150 आदमी का भोजन दक्षिणा और सभी वहाँ पर साहब देख रहे हैं इनके द्वारा आते हैं लोग और आहुति देते हैं इनके सबके द्वारा ये कार्य रूप होता रहता है। आज बड़ा श्राद्ध है जैसे अपने माता पिता का हम लोग श्राद्ध करते हैं, अपने माता पिता को लास्ट में विदा करते हैं उसी प्रकार हम इनको भी विदा करते हैं। अज्ञात जो है अज्ञात नहीं है वो बड़े बड़े हमारे 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 पूजनों के माता पिता हैं। बहुत सुंदर, हम क्या कहेंगे सुनो भगवान जी। ये तो वृंदावन रज प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ जो भी आदमी बाहर से आता है वो उसकी यहाँ मृत्यु होती है और वो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस शुभ कार्य में श्री भगवान दास चौधरी जी ने अपूर्वनीय कार्य किया है। ये यहाँ के जो संत महात्मा बड़े तप करते हैं, यहाँ भूमि में बैठ करके जो अलोप रहते हैं, जो हमेशा सैकड़ों वर्षों तक यज्ञ करते करते अपने शरीर को त्याग देते हैं, उनकी आत्माओं को लेकर के यमुना जी में ये विधि विधान पूर्वक उनका विसर्जन करते हैं और उनके लिए जैसा भी यज्ञ का कार्यक्रम होता है अनुष्ठान होता है सभी 31 दिन तक ये अपना इंतजार करने के बाद ये यहाँ पर अमावस्या के दिन सबकी मुक्ति की शांति के लिए ये अभूतपूर्व कार्य हमारे
कीड़ा उठाया है श्री भगवान चौधरी जी ने, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण 16 संस्कार, जिनमें अंतिम संस्कार है जिसको हमारे भगवान दास चौधरी ने अपनाया। वस्तुतः अपने अपने निजीजनों का, प्रियजनों का, परिजनों का तो सभी अंतिम संस्कार करते हैं, सम्मान से करते हैं, परंतु बिल्कुल उसी सम्मान से हमारे भगवान दास चौधरी ने जो संकल्प लिया आज से कई वर्ष पूर्व, और ज्ञात और अज्ञात जहाँ तक मैं आपको बताऊं, पुलिस प्रशासन के माध्यम से जितने भी संस्कार हुए उसके अलावा और बगैर उनकी देखरेख में भी लगभग 2000 से ज़्यादा संस्कार ये कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा संस्कार है। आज हमने वैसे तो हम रोज अज्ञातों को जलांजलि दे रहे थे 16 दिन से, आज पूरे हमारे प्रतिगोलक सेवा समिति के द्वारा जगरा जी के तट पर अमावस्या के पर्व पर जितने भी अज्ञात आज तक मृतक हुए हैं उन सबको हमने आज जलांजलि दी है और प्रार्थना की है वो भगवान की गोलोक धाम को प्राप्त करें। सर आपने देखा कि गोलोक और रविकांत जो प्राप्त करते हैं तो उनके अंतिम संस्कार को हमारी संस्था के हाथ है, और प्रत्येक अमावस्या को अपनी आत्म शांति के लिए हवन यज्ञ और जो है साधु संतों के भोजन का आयोजन यह किया जाता है, और इसके पीछे उद्देश्य बस यही है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं यज्ञ में भक्ति करने के लिए, जो अपना शरीर छोड़ देते हैं वो विधि विधान से और उनको शांति मिले, बस यही हम कह रहे हैं। आपने देखा है कि यहाँ पर वृंदावन में अमावस्या के दिन ऐसे आत्माएं, ऐसे लोग जिनकी मौत हो जाती है उसके बाद उनका कोई नहीं होता है, उनका दाह संस्कार लोग करते हैं आत्म शांति के लिए, हवन यज्ञ अमावस्या के दिन करते हैं, पितृ पक्ष में जैसे लोग अपने पितरों के लिए करते हैं, ऐसे ही ऐसी आत्माएं अज्ञात लोग उनके आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ किया जाता है। What? 93% placements in the year 2021-22. 300 plus companies visited the campus. 24 lakh highest package offered to a fresher. Which institution are you talking about? Oh, don't you know? This amazing achievement is by Sharda Group's Hindustan Campus Mathura and Anand Campus Agra. Discover the star in you. For admission in B.Tech, M.Tech, BBA, BCA, MBA, MCA, D.Pharma, B.Pharma, M.Pharma and Diploma in Engineering. Log on to sgei.org. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।